हे एवरीवन, वेलकम टू माय क्लेवर बुक्स। मेरा नाम है माधुरी नागले और आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं नोट्स की, जो है हिस्ट्री ऑप्शनल के नोट्स बाय मणिकांत सर। तो ये नोट्स जो है वो आपको मिलेंगे एक वेबसाइट से जिसका नाम है plusprameesh.in से। तो यहाँ पर आप सिंपली इन नोट्स को कार्ट में ऐड कर सकते हैं और अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और उसके बाद हम लोग वन बाय वन जो बुकलेट्स आई हैं उनको रिव्यू भी करेंगे। सो आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं हिस्ट्री ऑप्शनल बाय मणिकांत सर। तो ये जो है नोट्स, आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से पैक्ड है। इसको अब हम देखते हैं खोलकर कि कितने बुकलेट्स जो है इसमें आपको दिए जा रहे हैं। बात करूं तो चार आपको मिलते हैं इसमें हैंड रिटन नोट्स के बुकलेट्स। ठीक है, टोटल 14 बुकलेट्स आपको मिलती है जिसमें से चार जो है वो हैंड रिटन नोट्स की बुकलेट्स है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग, तो ये है आधुनिक भारत का इतिहास और इसमें कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते हैं जो ऑफकोर्स काफी नीट और क्लीन तरीके से लिखे गए हैं। 2020 के जो क्लासरूम नोट्स है वो ये है और आप फॉन्ट साइज और जो हैंड राइटिंग है वो भी देख सकते हैं, काफी अच्छी है। ठीक है, आधुनिक भारत के बाद अगर हम देखें तो मध्यकालीन भारत के नोट्स भी इसमें दिए जाते हैं। अगेन कंप्लीट 2020 के ये नोट्स हैं और इसमें जहां पर जगह है, जहां रिक्वायरमेंट है वहां पर मैप्स भी दिए हुए हैं और ये देख सकते हैं आप लोग, मैप्स जो है वो भी इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। फिर इसके बाद है जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत के नोट्स आपको दिए हैं हैंड रिटन नोट्स और काफी बड़ी बुकलेट्स है और काफी कुछ इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो कवर की गई है और अच्छे तरीके से, और कहीं कहीं पर डायग्राम्स जो है जहां रिक्वायर्ड है वो भी यूज किए गए हैं। और विश्व इतिहास, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स भी आपको, हैंड रिटन नोट्स भी इसमें आपको मिलते हैं जिसमें काफी अच्छे से टॉपिक्स जो है डिस्क्राइब किए गए हैं विद बुलेट्स एंड रे डायग्राम्स। तो ये देख सकते हैं आप लोग, हिंदी मीडियम के ये जो नोट्स हैं। आगे हम लोग देखें तो जो प्रिंटेड बुकलेट्स मिलती है आपको, प्रिंटेड बुकलेट्स में अगर हम देखें तो एक स्पेशल चीज यहाँ पर ऐड की गई है, वो है मैप्स की बुक। तो जो हिस्ट्री में जिस तरीके के मैप्स आपसे पूछे जा सकते हैं उन मैप्स को यहाँ पर ऐड किया गया है, साथ में डिस्क्रिप्शन जो है वो भी ऐड किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे मैप्स जो है इस बुकलेट में मैप्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, ये भी प्रिंटेड नोट्स की बुकलेट है। फिर इसके बाद बात करें हम लोग विश्व इतिहास की, तो विश्व इतिहास को देख सकते हैं आप, ये है विश्व इतिहास का भाग एक और ये है इसका इंडेक्स। ठीक है, ये इंडेक्स जो है वो भी आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं। विश्व इतिहास का भाग दो जो है वो भी आपको दिया जा रहा है जिसमें रूस की क्रांति से लेकर विश्व इतिहास का जो एक विश्लेषण है वो आपको दिया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं इसमें इंडेक्स। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले
प्राचीन भारत की बात करें हम लोग, तो प्राचीन भारत को देख सकते हैं आप लोग, भाग एक में दिया जा रहा है प्राचीन भारत का इतिहास लेखन और मौर्य काल तक आपको इसमें कंप्लीट दिया जा रहा है भाग एक में प्राचीन भारत की बुकलेट के। फिर इसके बाद देखिए हम लोग भाग दो में, तो भाग दो में आपको दिया जाता है मौर्योत्तर काल और प्रारंभिक भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के प्रतिपाद्य। फिर इसके बाद हम देखें तो मध्यकालीन भारत जो है उसमें आपको पूर्व मध्यकालीन भारत की एक बुकलेट प्रोवाइड की जाती है और इसमें आपको सामंतवाद से लेकर पूर्व मध्यकाल अर्थव्यवस्था धर्म विज्ञान एवं तकनीकी और स्थापत्य जो है ये आपके टॉपिक्स दिए गए हैं। फिर इसके बाद है मध्यकालीन भारत का इतिहास जिसमें भाग एक में आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत से लेकर विजयनगर और बहमनी राज्य के बारे में दिया जा रहा है। भाग दो की बात करें अगर मध्यकालीन भारत के, तो इसमें मुगल काल से लेकर मराठा तक कंप्लीट हिस्ट्री या इतिहास जो है वो आपको दिया जा रहा है। फिर है आधुनिक भारत का भाग एक, तो आधुनिक भारत जो है उसके भाग एक में जो आधुनिक भारत का इतिहास लेखन है उससे लेकर ब्रिटिश उपनिवेशवाद का तृतीय चरण और वित्तीय चरण जो है वो आपको दिया जा रहा है और उसके पश्चात 1858 के पश्चात जो है वो भी आपको इसमें दिया जा रहा है मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत के इतिहास में। इसके बाद है आधुनिक भारत के इतिहास का भाग दो, तो भाग दो की बात करें हम लोग तो इसमें भारतीय ये देख सकते हैं हम लोग भाग दो और इसमें भारतीय राष्ट्रवाद से लेकर जो स्वतंत्रता के बाद का भारत था उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाती है। सो ये जो है ये सारी बुकलेट्स आप जैसे मैंने कहा प्लस प्रमेश.in से ऑर्डर कर सकते हैं और ये आपके घर तक पहुंच जाएगी हिस्ट्री ऑप्शनल की किताबें अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो, और ऑफकोर्स आप इनको ऑर्डर भी कर सकते हैं और उसका तरीका जो है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।